टू टर्मिनल ऑफ ए 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। चलो एक 3 मीटर लॉन्ग वायर है, दिस इज द लॉन्ग वायर और 3 मीटर ये वायर है, लॉन्ग वायर नहीं 3 मीटर, लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर, 3 मीटर कनेक्टेड टू यूनिफॉर्म थिकनेस 6 वोल्ट बैटरी। ये जो है हमने इसको 6 वोल्ट की बैटरी से प्लस माइनस 6 वोल्ट की बैटरी से इस वायर को हमने यहाँ से कनेक्शन दे दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब 6 वोल्ट की बैटरी 3 मीटर लॉन्ग वायर है, अब इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, मतलब पूरे वायर का रेजिस्टेंस, इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है आर दैट इज 100 ओम। तो दिस इज द 100 ओम दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस टोटल वायर, तो इस टोटल वायर का रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 100 ओम यहाँ से, ठीक है ये वाली चीज। तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। अब चलो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पे दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट फर्स्ट है और ये पॉइंट सेकेंड है, और ये जो है लेंथ, दैट लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, दैट लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसकी कैलकुलेशन करनी है, वी नीड टू कैलकुलेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस V। ऐसा क्यों भाई? भाई अगर देखोगे तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस अलग अलग है, भाई पूरे वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस अलग अलग, तो हर पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूट है, जो 6 वोल्ट है वो छोटे छोटे पीसों में डिस्ट्रीब्यूट है, इधर टोटल 6 वोल्ट यहाँ 3 मीटर के टोटल 6 वोल्ट लगा है, लेकिन पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस पीसेज में डिस्ट्रीब्यूट है। तो 50 सेंटीमीटर में हमें जो 50 सेंटीमीटर है इसमें कितनी पोटेंशियल डिफरेंस भी है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो चलो पहले हम पूरे वायर के लिए रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए फॉर टोटल वायर दैट इज 100। अब हमको नहीं पता है कि ये जो 50 सेंटीमीटर वाला पार्ट है इसमें कितना रेजिस्टेंस आया होगा, लेट्स इट आर डैश रेजिस्टेंस इसमें आ गया होगा। तो चलो ये तो यहाँ से रो अपॉन ए की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 100 अपॉन L, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब ये जो R डैश वाला पार्ट है इसके लिए रेजिस्टेंस अगर मैं लिखूं R डैश इज इक्वल टू रो L डैश और एरिया क्रॉस सेक्शन यही रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू आ जाएगी रो अपॉन A और ये L डैश, ठीक है। तो रो अपॉन A फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग यहाँ से, जो कि इस वायर के लिए भी सेम रहेगा, एल डैश और रो अपॉन एल और मल्टीप्लाइड बाई एल डैश कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻², और इस एल की वैल्यू टोटल लेंथ 3 मीटर है, समझ रहे हो ना, टोटल लेंथ 3 मीटर है एक्चुअली। तो ये आ जाएगा 100 अपॉन ये 3 मीटर और दैट इज 50 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², तो 10⁻ 100 को ख़त्म कर दिया, दैट इज 50 अपॉन 3 ओम, दैट इज रेजिस्टेंस R डैश। जो 50 सेंटीमीटर का वायर था उसमें रेजिस्टेंस 50/3 आ गया, अगर ए रेजिस्टेंस 50/3 आ गया, तो चलो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, तो भी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो भी इज इक्वल टू आई आर डैश। तो I हमें निकालना पड़ेगा इस सर्किट के लिए, I इज इक्वल टू फॉर टोटल सर्किट V अपॉन R, टोटल सर्किट में 6 वोल्ट है और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो दिस इज द टोटल करंट इन द सर्किट I, दिस इज द टोटल करंट इन द सर्किट I। नाउ अगर यहाँ पे देखोगे तो I की वैल्यू जो है दैट इज 6 अपॉन 100 है, और R डैश की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 50 अपॉन 3, तो ये 2 टाइम्स इससे कट गया और ये इसको काट दिया 2 टाइम्स, दैट इज 1 वोल्ट। तो हर 50 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट कंट्रीब्यूट हुआ होगा, दैट इज 1 वोल्ट, इसका सलूशन सही है, दैट इज